Okay guys, so let's start without any delay because some issue from internet issue from my side, that's what the problem happened. Are you able to see the screen? Yes, sir. So those who are watching in YouTube, they can come to Google Meet because sometimes the YouTube link is not working properly. So please guys, come to the Google Meet. I have already shared the Google Meet link in the group. So please join on the Google Meet. Okay, so let's first do the question. So first question hochi, which city has been designated to host the 2020 Summer Olympic Games? The 2020 Summer Olympic Games kothi hobar amar thila bartaman chalichi ta jota 2020 re hobar thila ta seta amro bartaman hochi 2021 re hochi ta jota kochu ame kono na Tokyo Olympics. Okay, तो बी है जो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली, देखो एटा 2016 रे हमें क्वेश्चन करूचे किंतु 2016 रे हमरो ओलंपिक जो पडिला 2020 रो। ओके, तो नेक्स्ट वर्तमान ओलंपिक केते न्यूज रे अछि, माने रखिबो 2024 रे ओलंपिक कोठी हबो, 2028 रे ओलंपिक कोठी हबो, तो एटा डेफिनेटली माने रखिबो। एनीवन रिमेम्बर कि 2024 रा ओलंपिक कोठी हबो? वेरी गुड, ए क्वेश्चन भी पढ़ी थला। वॉइस इज लो, समस्त को ठीक? क्लियर सर। हां, वॉइस इज लो? नो सर। ओके, तो 2024 रा माने रखिबो कोठी ना पेरिस रहउची, 2028 रा हमर कोठी होउची ना लॉस एंजेल्स रे माने रखिबो, कारण बहुत उडे हमर बे न्यूज रे अछि कोन ना ओलंपिक को नेकी न्यूज रे अछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करिबा, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बाय बीसीसीआई? तो इटा जतल 2016 रे पडितला सेत बेले आई थिंक अनिल कुंबले थिले, तापर हमर रवि शास्त्री, वर्तमान हमर की इंडियन जो क्रिकेट टीम रा कोच अछंदी कमेंट सेक्शन ने कहो, वर्तमान इंडियन क्रिकेट टीम रा की अछंदी? रमेश पावर? नहीं, मु मेंस टीम रा पचारु छी, इंडियन क्रिकेट टीम रा जो मेंस टीम रा हमर की अछंदी वर्तमान? रवि शास्त्री अछंदी ना राहुल द्रविड़ अछंदी? रवि शास्त्री। सर रवि शास्त्री अच्छा एबे राहुल द्रविड़ ताले को थे एबे जो श्रीलंका टूर है थला सी सर डिवाइड सर सर टीम टू टीम सर टू टीम टू कोच ऑन टू टीम टू कोच माने सर जो इंग्लैंड इंग्लैंड जो टाइम से रवि शास्त्री जो श्रीलंका रे जाउथला सेटा राहुल द्रविड़ सर। ओके, तो मन रखिबो दिजन जकर नाम मन रखिबो राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ आउ हमरो वर्तमान राहुल द्रविड़ हमर जो श्रीलंका टूर रे हमरो जो इंडियन रो कोच है अछन माने थिले, आ रवि शास्त्री हमरो इंडियन टीम रो भी हमरो कोच अछन, तो दिजन जक मन रखिबो दीटा जक नाम मन रखिबो। ओके, कारण ए रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा रे पडितला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अवार्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली? तो सेते बेला हमर थिला करेक्ट आंसर कौन ना मनोज कुमार थिला। ओके, तो वर्तमान जदि हमें कहिबा
हु हाज बिन सिलेक्टेड फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली द सेम क्वेश्चन जदि रिपीट हला कौन हबो करेक्ट आंसर मने रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन ए वर्ष आसला भलिया क्वेश्चन तो किए हमरो दादा साहेब फाल्के अवार्ड देबे रिसेंटली जो पाई छंदी से होछंदी किए ना रजनीकांत वर्तमान 2016 अनुसार हमर हबो मनोज कुमार किंतु वर्तमान जदि हमें पढ़िबा कौन हबो ना आमर रजनीकांत इन ह्विच इयर आरटीआई केम इन टू फोर्स तो आरटीआई टा आमर को इयर आसला लास्ट इयर अमिताभ बच्चन हाँ मन रख 2020 अमिताभ बच्चन 2021 आमर होचंद किए ना रजनीकांत दि जना का मन रखिबो ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची आरटीआई आमर केबे आसला आरटीआई आमर 2005 रे आसला ओके नेक्स्ट होची ह्विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर जोटा कि आम एवं हटे दि जाए कौन हो ना आम आर्टिकल 370 ओके तो आर्टिकल 370 गिव्स द स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो सही रिलेटेड गोटे क्वेश्चन पड़ा आर्टिकल 370 हो कि तुम 35A सो दिज बोथ आर एक्चुअली रिलेटेड टू आमर कौन जम्मू एंड काश्मीर इन ह्विच इयर सार्क वाज फॉर्म सार्क केबे आमर फॉर्म हला अठारह सौ पंचाशी नो 1985 ओके आई थिंक टाइपिंग एरर तो कौन हम करेक्ट आंसर आमर ना अठरश पंचाशी नुह 1985 आमर सार्क फर्मूला और सार्क हेडक्वार्टर कौटी कमेंट सेक्शन को कह सार्क सार्क हेडक्वार्टर कौटी वेरी गुड कौटी ना काठमांडू नेपाल रे ओके तापर कह बिमस्टेक केबे फॉर्मेशन है आ तार हेडक्वार्टर कौटी बिमस्टेक केबे फॉर्मेशन है तार हेडक्वार्टर कौटी कारण ए रिलेटेड पढ़ुची जोड़ा एशियन रिलेटेड वेरी गुड एटा भी बिमस्टेक भी पड़ी बिमस्टेक 1997 में स्टार्ट है कौटी तार हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका ओके तापरे कह एशियन केबे फॉर्म हला एशियन एनीवन वेरी गुड प्रीति 1967 आमर एशियन थाइलैंड डिक्लेरेशन ने आमर एशियन आमर फॉर्मेशन हम ओके तापरे कह तुम आउ कौन आमर ऑर्गेनाइजेशन रहिला इम्पोर्टेंट इंडोनेशिया जाक करता ओके एसीओ अच्छा एसीओ रो हेडक्वार्टर कोठी एनी आमर एमती अछि कि एसीओ हाँ एसीओ रो हेडक्वार्टर कोठी एमती अछि कि किछि सांगाई ना बेंजिंग चाइना कूड़ा हबो करेक्ट आंसर ओके तो चेक करिबा आंसर कौन मते जाना नहीं ओके मुझे एमती पचारी कौन किंतु मते जाना नहीं कोड़ा सांघाई ना ना होची सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मे बी सांघाई ही थी किंतु आई डोंट नो एक्जाक्टली चेक करो तुम्हें इंटरनेट रे चेक करके ठीक ओके आम कहे यस सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर कौटी सर बेंजिंग बेंजिंग चाइना ओके तो चेक करके ओके मन रखिब ओके तापर आम जी ट्वेंटी मीटिंग कौटी होता 2020 जी ट्वेंटी मीटिंग कौटी होता आउतापर जी सेवेन रीटिंग कौन होता कमेंट सेक्शन कह जी ट्वेंटी साउदी आरबिया होता 2020 होता ओके जी सेवेन कौटी होता ना यूके होता 2021 जी ट्वेंटी मीटिंग कौटी हूँ 2021 जी ट्वेंटी मीटिंग कौटी हबार अच्छी जोटा कि नवेम्बर डिसेम्बर शेड्यूल हो जी ट्वेंटी मीटिंग
2021 ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଇଟାଲୀ? ବ୍ରିକ୍ସ ହବ, ମନେ ରଖ ବ୍ରିକ୍ସର ଆମର 2021 ଆମର ହବ, ବ୍ରିକ୍ସର ମିଟିଂ ହବ ମନେ ରଖ ଇଣୡିଆରେ ଏଇ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି G20ର 2021 ମିଟିଂ କେଉଁଠି ହବ? ନା ଇଟାଲୀ, ମନେ ରଖିବ ଇଟାଲୀରେ ହବ ଆମର ବ୍ରିକ୍ସର ମିଟିଂ, ଯେଉଁଟା ହବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ 2021 ପାଇଁ, କେଉଁଠି? ଇଣ୍ଡିଆରେ ହବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛି, ସାର୍ କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଏସିଆନ୍ କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱିପ୍ରୋ? ଓକେ, ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଇନଫୋସିସ୍? ଇନଫୋସିସ୍ର କିଏ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର? ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ଓକେ, ଏନି ୱାନ୍ ନୋ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ସତ୍ୟନାଡ଼େଲା? ଓକେ, ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ଓକେ, ଏନି ୱାନ୍ ନୋ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ HCL? HCLର କିଏ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର? ଏନି ୱାନ୍ ନୋ? ଯଦି ପଢ଼ିଲା, ହୁ ଇଜ୍? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଭେଙ୍କଟେଶ। ଓକେ, ଶିବ ନାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର HCLର ଫାଉଣ୍ଡର। ଓକେ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଫାଉଣ୍ଡର, କି ଯଦି ପଢ଼ିଲା HCLର କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର, ତ ଶିବ ନାଦର ମନେ ରଖିଥାଉ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁନେସ୍କୋ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁନେସ୍କୋ କେଉଁଠି? ଆମର ପ୍ୟାରିସରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ, ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଆମର କେବେ ଫର୍ମ ହେଲା? ନା 1945ରେ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଫର୍ମ ହେବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହ କେବେ, କାରଣ ଡେଟ୍ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଭେରି ଗୁଡ଼ ଭେଙ୍କଟେଶ, ୟା ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ପ୍ରଣତି, ସଙ୍ଗୀତା, ପ୍ରୀତି, ଦେବୀ, ମୁରଲୀ, ସଙ୍କିତ, ଓକେ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କରେକ୍ଟ। 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945, ସୋ ଅକ୍ଟୋବର 24କୁ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେ ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖିବ ଅକ୍ଟୋବର 24, 1945। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅନର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ଭାରତ ରତ୍ନ? ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, କପିଲ ଦେବ, MS ଧୋନି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଆମର କିଏ ନା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସେ ବର୍ଷ ଥିଲେ। ଓକେ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତ ରତ୍ନ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହ କେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭୂପେନ ହାଜରିକା, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଦେନ୍ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ, ଭୂପେନ ହାଜରିକା। ଓକେ, ତ ଭୂପେନ ହାଜରିକା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍, ଆମର ଢୋଲାସଦିଆ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଆମର ଭୂପେନ ହାଜରିକା ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମର ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଭୂପେନ ହାଜରିକାଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ନାଁରେ। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ନା କ'ଣ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ, ଆମର ନାଇଁ କୋଲିସନ୍, ଦ କୋଲିସନ୍ ଇୟର୍ ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଲିସନ୍ ଇୟର୍। ତ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ବହି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ତା ନାଁ, କୋଲିସନ୍ ଇୟର୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମିନରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ତ ତା'ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ, ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍। ଓକେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କୋଲିସନ୍ ଇୟର୍, ଏଥର ଯଦି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତାଙ୍କର, ଏକ ତ ଭାରତ ରତ୍ନ, ଦୁଇରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର କୋଭିଡ଼ ନୁହେଁ, ଅଲଗା କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଇସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମନେ ରଖିବ। ତ 2014ର ଯେଉଁ ସକର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ କିଏ ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସକର ଟାଇଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ପିଲା ବୁଝିପାରିନଥିବେ କି ଏଇଟା ଫୁଟବଲ୍ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଆମର ଯେଉଁ 2014ର ଯେଉଁ ସକର ଟାଇଟେଲ୍ କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ଜର୍ମାନୀ। ତାପରେ 2018ରେ ଯେଉଁ ସକର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ତା ପରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 2014ରେ, ଯେଉଁ 18ରେ କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ମନେ ରଖିବ 2014ର ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର 2016ରେ, ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଏଥର ପଡ଼ିଲା, କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର
फुटबॉल वर्ल्ड कप किए जीति 2018 तो मन रख फ्रांस ओके तो यहाँ हो कौन ना जर्मनी हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश तो सेत बड़ अनुसार कह 2016 आम चंद्रबाबू नायडू थे बर्तमान जदि आम पड़ो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश तो कौन हम करेक्ट आंसर जगनमोहन रेड्डी हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड जोटा निहाती न्यूज रे बर्तमान अच्छी जे दीज चेंज हो गले हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कमेंट सेक्शन में कह पुष्कर सिंह धामी ओके ओके पुष्पकमल दल ने आई थिंक पुष्कर सिंह धामी येस एब्सोल्युटली करेक्ट डू यू नो हु इज द रिसेंटली आम कर्णाटक जो चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा एक्चुअली रिजाइन कले नुआ जड़े आम चीफ मिनिस्टर होती तो कौन तक ना बसवराज बोमई बस बसवराज बोमई मन रख तो आम जो एसआर बोमई का नाति एसआर बोमई तुम शुनी जो आम इम्पोर्टाट जजमेंट आम होता तो आम ओके नाति होती किए ना आम बसवराज बोमई ओके नेक्स्ट होती आमर एटा होमर कौन ना चंद्रबाबू नायडू थी कि बर्तमान जदि सेम क्वेश्चन पड़ तो जगनमोहन रेड्डी नेक्स्ट हूँ हु रोड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुकटा किए लिखते ना खुशवंत सिंह लिखते व्हिच ईयर विकिपीडिया वाज फाउंडेड तो विकिपीडिया आमर को ईयर रे फाउंडेड होता कमेंट सेक्शन में कह 14 नंबर क्वेश्चन कौन 2000 2001 2002 2000 एत भारी कले कमी आंसर हम 2001 ना 2002 कौन करेक्ट आंसर 14 नंबर सर 2001 बी दे आंसर ओके बी हमर कौन अछि आंसर 2001 ओके सो व्हिच ईयर विकिपीडिया वाज फाउंडेड 2001 रे ओके एलिनो इज ए फेनोमेना इज एसोसिएटेड विथ तो एलिनो हमर कौन होछि ना रिलेटेड टू हमर ग्लोबल वार्मिंग ओके मन रखिबो एलिनो फेनोमेना रे कौन हुए ना जेनरली नॉर्मल ईयर रे ओके आमर कौन हुए ना ऑस्ट्रेलियन कोस्ट आमर जो वार्म वार्म करेंट आउ जेनरली पेरू 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 को जो कोस्ट रे आमर कौन हुए ना आमर कोल्ड करेंट थाए ओके किंतु अननेसेसरी सम अनएक्सेप्शनल ईयर रे आमर कौन हुए ना रिवर्स हो जाए तो यहाँ को आम कौन कहे ना एलिनो फेनोमेना तो जो आमर इट इज एसोसिएटेड विथ ग्लोबल वार्मिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जे ब्रिटिश कनक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ वासिन ऑन 31 December 1802 विथ तो ये क्या सांग ट्रीटी ऑफ वासिन होता 16 नंबर आंसर कौन हम डी ओके बाजीराव टू पेशुआ पेशुआ मानक सांगे होता तो पेशुआ बाजीराव टू को सांगे आमर जो ट्रीटी ऑफ वासिन आमर कौन ना कंक्लूड हम 31 December 1802 रे तो स्टेट डिमांड अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आसीला तो सही ब्रिटिश्र के भाग रोला जी टैक्स कलेक्शन होता तो ब्रिटिश मैंने के रखुले आ जमीदार मैंने के रखुले तो फास्ट आम ब्रिटिश के 89% वेरी गुड सुलाता एंड व्हाट अबाउट द स्टेट परसेंटेज ना 11 कहाँ का समय रे आमर ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आसला लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके बंगाल बिहार ओडिशा रे आमर एटा इम्प्लीमेंट होता एटा को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाए तो ये जो जमीदार ऑफ द बंगाल दे आर कंसीडर एज द ओनर ऑफ द गोटे पर्टिकुलर एरिया रे ओके तो आमर मन रख जो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो फादर ऑफ द कोवेनेंट सिविल सर्विस भी कहा जाए फादर ऑफ द पुलिस रिफॉर्म भी कहा जाए कारण जो पुलिस आज आम देखुचे थाना थाना रे आमर ना भी शुणी थ दारोगा तो थाना रे जी इनचार्ज थे दारोगा तो प्रति 20 square kilometer गोटे आमर पुलिस स्टेशन होता जोटा को आम थाना कहते थाना इनचार्ज को दारोगा कहते
ओके तो पुलिस रिफॉर्म भी करते सिविल सर्विस रिफॉर्म करते कि फर्स्ट टाइम पे मेरिट बेसिस रे हमर कौन हम ना अपॉइंटमेंट हम तो जोड़ा को आम कहे कोवेनेंट सिविल सर्विस ओके फादर ऑफ द पुलिस रिफॉर्म फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस बोली आम कहीपर प्लस सी हूँ आम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रो कौन हो ना यहाँ नहीं कि आसते आउ गोटे आमर गोटे क्वेश्चन पड़ा यूपीएससी रे तो सही समय आमर कौन हम ना जुडिशियल पावर आज वेल आज आम कौन ना रेवेन्यू कलेक्शन पावर बोथ आर अंडर आमर कलेक्टर तो से समय जो कलेक्टर जी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर थी दुटा जाक तो ये कौन करेंगे ना से जुडिशियल पावरटा हाथ में नहीं जब केवल रेवेन्यू कलेक्शन पावरटा कलेक्टर हाथ में रहा तो कहीं एमती करेंगे वाई जे से जे तु जुडिशियल पावरटा कहीं जाइए ना सी कहे जे आमर जो आमर पावरटा कनसनट्रेट होकर कौन हो ना जनक हाथ में रहा ठीक नुहे सो टू सेपरेशन ऑफ द पावर पाई डेफिनेटली सी कौन करेंगे ना जुडिशियल जो पावरटा ही विल रिमूव फ्रॉम द कलेक्टर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर तो यहाँ के ना आमर 89% आम स्टेट डिमांड होता आ 11% आमर जो मैंने जमीदार मान रखुले व्हाट वाज व्हिच वाज कंसीडर एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया तो इंग्लिश एजुकेशन मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कौन ना वुड डिस्पैच जो आमर वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 होता तो चार्ल्स वुड का समय आसी तो से ही समय फर्स्ट टाइम पे कहब ये इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश आमर कौन हम ना आज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन दिया कौटी दिया प्राइमरी एजुकेशन ने ना हायर एजुकेशन ने कौट दिया कमेंट सेक्शन में किए कौन कहते ना आमर हायर एजुकेशन आम इंग्लिश हम प्राइमरी आ सेकेंडरी एजुकेशन टा कौन दिया प्राइमरी मन रख अप टू 10th क्लास जाए आम कौन कौचे आम भी ओडिया रे पढ़ुचे 10th क्लास जाए जो मैंने आम स्टेट बोर्ड रे आउ आफ्टर 10th तो आम इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो तो सी जो कनसेप्ट आमर आसला जे प्राइमरी आउ सेकेंडरी जो तुम एजुकेशन टा भर्नाकुला लांगुएज और लोकल लांगुएज तुम शिख हायर एजुकेशन ओनली तुम इंग्लीश रहा यहाँ आम चार्ल्स वुड जो डिस्पैच आम कहे तो से ही रेकमेंडेशन आसला जोटा कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहुए किए से आम वाइसरॉय थे सी जो आसते वाइसरॉय नुहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मुझे कहबी डेलहाउसी थे ओके आ डेलहाउसी तुम जाचे कौन ना फादर ऑफ द इंडियन रेलवेज आम जो लाइन इंट्रोड्यूस समय ओके तापर आमर जदि देख आमर टेलीग्राफ रिफॉर्म होता पोस्टल रिफॉर्म होता तापर आमर जदि देख आमर जो इरिगेशन ये सब डिपार्टमेंट आमर क्रिएट होता ओके तो आउ तक समय मोस्ट इम्पोर्टेंट आमर इवेंट हूँ लॉर्ड डेलहाउज का समय कौन होता ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आसला कि कहगला जो राजा निजर कहीं पुओ नहांती तो से केस्रे राज्य कौन हम ना ब्रिटिश मानक साम्राज्य में मिशिजी तो तुम जाचे कह झांसी राणी निजर कहीं पुओ न से धरम पुओ कर आडप्टेड सन् सी कहे धरम पुओ चलोनी तुम निज ब्लड सन् होते हिं सी आफ्टर योर आफ्टर यू ही विल बी लाइक उत्तराधिकारी हम अदरवाइज जदि आडप्टेड सन् दे विल नॉट एक्सेप्टेड एंड ऑटोमेटिकली दैट एरिया विल बी इंक्लूडेड इन ब्रिटिश जो कौन हो ब्रिटिश एरिया मिसीज जोटा को अपोज करुवे समस्ते ओके व्हाट वाज द रियल इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ द बंगाल तो बंगाल जो पार्टीशन हम ता पछरे रियल इंटेंशन कौन थी 19 नंबर क्वेश्चन बी ओके कारण देख फास्ट कथा तो मत कह जे बंगाल पार्टीशन केबे हम बंगाल पार्टीशन ए क्वेश्चन भी आम पड़ा बंगालटा केबे पार्टीशन हम एग्जाक्ट डेट सांगे कह वेरी गुड प्रीति ओके 16 अक्टोबर 1905 रे बंगाल पार्टीशन हम तो सेते बेले आमर वाइसरॉय किए थे ना लॉर्ड कर्जन थे ओके सो लॉर्ड कर्जन कौन कहे कहे बंगालटा बहुत बड़ हो जाऊँगी
ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିଗ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ଆମେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଜି ପାଇଁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିବ ନା, ବେଙ୍ଗଲ ଥିବ ଆମର ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଯାହା ବି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବ, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା, ତ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ ନା, ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିବେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ, କାରଣ ଆମର ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଏଇଟା ମୁସଲିମ୍ ମେଜରିଟି ଏରିଆ ଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଆମର ରହିଲା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମିଶିକି ଥିବ, ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି, ସୋ ଦେ ହାଭ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇନ୍ ଟୁ ଅନ୍ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇନ୍, ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଓକେ, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ରିଅଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଟୁ ଷ୍ଟେମ୍ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ର ଫିଲିଂଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ନା, ବେଙ୍ଗଲକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖିବ କିଏ କରିଥିଲେ, କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, 16 ଅକ୍ଟୋବର 1905ରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା, ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ରାଇଜିଂ ଟାଇଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ର ଫିଲିଂଟା, ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ହାଡ଼ ଡିସାଇଡେଡ଼୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଟ୍, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଡିସାଇଡେଡ଼୍ କରିବେ କି ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ହାଭ୍ ୟୁ ହାର୍ଡ଼ ଆବାଉଟ୍ ବରଡୋଲି? ଓକେ, ତ ବରଡୋଲିଟା କେଉଁଠି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବରଡୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବରଡୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୁଜୁରାଟ, ତ ଗୁଜୁରାଟର ବରଡୋଲିରୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବରଡୋଲି। ତ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱରାଜ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଇନ୍, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱରାଜ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଅର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ସେସନ୍ରେ ପାସ୍ କରାହେଇଥିଲା? ଓକେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଲାହୋର ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 1929ରେ। ଆମର ଏଇ ସେସନ୍ର ଆଇନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିବେ ନା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱରାଜ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, 1929 ଲାହୋର ସେସନ୍ରେ କିଏ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 1928ରେ ଆମର ତାଙ୍କ ଫାଦର ଥିବେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଆଉ 1929ରେ ଆମର ହେବେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାପରେ ଆମର 1931ରେ ବି ପଢ଼ୁଛି କେଉଁଠି, ତ 31ରେ କିଏ ଆମର ଆଇନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, କରାଚିରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱେନ୍ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେବ, ଯେତେବେଳେ ମଡ୍ରେଟ୍ ମାନେ ସ୍ୱରାଜ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱରାଜ ଯେଉଁ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ପାସ୍ କରାହେଇଥିବ କେବେ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା 1906। 1906ରେ ଆମର କିଏ ଥିବେ, 1906ରେ ଆମର ଆଇନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିବେ, ଭେରି ଗୁଡ଼ ଦେବୀ, ମନେ ରଖିବ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। ଓକେ, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଆମର ଏଇଟା ନାଗପୁର ସେସନ୍ ହେଇଥିବ, ତ 1906ରେ ସ୍ୱରାଜର ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରାହେବ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେବ 1905ରେ, ଆମର କିଏ ଆଇନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଏନିୱାନ୍ ରିମେମ୍ବର କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, 1905ରେ ଗୋଖଲେ ଥିବେ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଯେ 1907ରେ ଯେଉଁ ସୁରତରେ ହେଇଥିବ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଯା ଯେଉଁଥିରେ କି ନା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ, ମଡ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଦଳେ ଥିବେ ଯିଏକି 3P ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ପେୟାର ପାର୍ଟିସନ୍ ଆଉ ପାମ୍ପଲେଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଥିବେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଘୋଷ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ପ୍ୟାସିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବୟକଟ୍, ତ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ। ତ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମର 1907ରେ ସୁରତ ସେସନ୍ରେ ଆମର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ମଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଥରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଓପିଏସ୍ସିର, ତ କ'ଣ ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତା'ର, ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ, ମନେ ରଖିବ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ବି ଆମର ଥିବ, ତେଣୁ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ନଟ୍ ବୋଷ। ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ହାଜ୍ ଅର୍ନ ଦ ନାଇଟହୁଡ଼, ତ ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଆମର ନାଇଟହୁଡ଼ କେବେ ଦିଆଯିବ, 22 ନମ୍ବର, ଓକେ, ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 22 ନମ୍ବର, ତ 1888ରେ।
तो ओपीसी आंसर की थोड़ा गोटे थर चेक कर दवा नहीं 78 ना 88 78 ना कौन इसमें कितना बार क्वेश्चन था बाईस नंबर था ओके 22 नंबर जस्ट मिनिट 88 होगा कथा कौन जस्ट चेक कर दो यस तो 88 है हमारे करेक्ट आंसर मन रखिबो ओके तो ये क्वेश्चन वाला जो परीक्षा में पड़ा तो आंसर है कौन ना 88 द ओनली एनुअल सेशन जो थे प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी जीवन में गोटे थर आईएनसी रे प्रेसिडेंट होती तो से जो प्रेसिडेंट होते से सेशन को सेशन होते यहाँ टे भूल अच्छे एक्चुअली ओके तो ईयरटा भूल अच्छी बेलजियम कर्णाटक बेलगांव बेलजियम कौन कर्णाटक बेलगांव रे एक्चुअली ये आईएनसी मीटिंगटा होता केबे होता 1924 रे होता ओके मन रखिबो आईएनसी उपर हमर प्रेसिडेंट उपर क्वेश्चन पड़ी तो कर्णाटक बेलगांव रे 1924 रे हमर ये सेशनटा होता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हु वाज द हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट 24 नंबर आंसर कौन चबीस नंबर आंसर कौन सी हम चबीस नंबर ओके तो स्वामी काम कौन ट्रेड यूनियन मूवमेंट रे तो स्वामी काम है ध्यान करवा तो डेफिनेटली स्वामी सहजानंद इज नॉट ए एसोसिएशन विथ हमर ट्रेड यूनियन मूवमेंट ओके हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फेमिन कमिशन 1880 रे तो 1880 रे जो फर्स्ट फेमिन कमिशन आसला तो तार चेयरमैन किए थे ना सार रिचर्ड स्ट्रेची एटा मन रखी द्वितर ये क्वेश्चन टा पड़ला तो फर्स्ट फेमिन कमिशन चेयरमैन किए थे ना सार रिचर्ड स्ट्रेची व्वेन द फर्स्ट फैक्ट्री आक्ट केम तो फर्स्ट फैक्ट्री आक्ट आम के ना 1881 आसो ओके तो यहाँ आम लॉर्ड जो कहाँ का समय आम फैक्ट्री आक्ट आसो ना रिपन का समय आसो तो लॉट ऑफ गुड वर्क एक्चुअली डन बाय आम लॉर्ड रिपन फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कह जाए ओके इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी समय आसो फैक्ट्री आक्ट नहीं कि आसीथे तो जो थी कि आम कौन हो सत वर्ष रु तलू पिला माने फैक्ट्री काम करें ओके आवर्स कमा 12 घंटा 9 घंटा कर एमती आम लॉर्ड रिपन का समय 1881 फर्स्ट फैक्ट्री आक्ट आम आसी ओके व्वेन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु आर सेंटेन्स टू डेथ तो भगत सिंह हेले राजगुरु आउ सुखदेव केबे मान को फांसी दिया जाता जोटा को आम शहीद दिवस बोली कह तो करेक्ट आंसर कौन हम ना 23 मार्च 1931 जोटा को आम शहीद दिवस बोली कहे भगत सिंह सुखदेव आ राजगुरु को सेंटेन्स टू डेथ हो कौन पाई फांसी दंड से मैं दिया जाए कौन एम अपराध करेंगे सॉन्डर्ड को जो मर्डर करेंगे तो सॉन्डर्ड मर्डर जो मर्डर केस रे एमन को फांसी दिया जाए निजर जन सांग एक्चुअली एक्सपोज करदेव कि ये ही सॉन्डर्ड को मारी बोली तो से जो मर्डर केस रे आम ये तीन जन को फांसी दिया जोटा को आम कहे शहीद दिवस बोली ओके नेक्स्ट आम इनक्लाब हु वाज द एडिटर ऑफ इनक्लाब तो इनक्लाब एडिटर होंगे किए ना गुलाम हसन तो मन रख 1923 रे जो आम एडिटर ऑफ इनक्लाब 1923 र किए ना गुलाम गुलाम हसन ओके द कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 4 अगस्त 1932 गेव ए सेपरेट इलेक्टर टू तो कौन पाई ना आमर एटा को मैकडोनाल्ड राम से मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाए कौन पाई ना 1932 रे 4 अगस्त 1932 रे ब्रिटिश रो जी आमर प्राइम मिनिस्टर थिबे ओके मैकडोनाल्ड राम से मैकडोनाल्ड कहे तो सीए कहे ओके जे इंडिया आमर सेपरेट इलेक्टोरेट टू कहा को दिया जिवो ना डिप्रेस क्लास मन को डिप्रेस क्लास मन पाई के फाइट करूथिबे ना आंबेडकर तो जेहेतु डिप्रेस क्लास मन को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जिवो तो गांधीजी अपोज करेंगे ओके गांधीजी चाहून थे कि देख आम सोसाइटी को रिलीजन लाइन में बंटाला हिंदू मुसलमान के भितर डिवाइड करागला अलग रिलीजन क्रिश्चियन अलग जो रिलीजन से मैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करागला तो सेपरेट क्लास टू डिप्रेस क्लास
को हमर जेतल प्रोवाइड करा जइबो एटा को हमर कम्युनल अवार्ड कह जाउ छी। त गांधी जी हमर हंगर स्ट्राइक करबे आ फाइनली आंबेडकर आ गांधी क भीतर ओडे पैक्ट हबो जोरदार न हो छी पुणे पैक्ट। कलकत्ता को कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 व्हिच रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर वाज पास्ड बाय एई जो हमर कलकत्ता को कॉर्पोरेशन एक्ट हमर आस्तिला त 1899 रे त की हमर ये जो नंबर टा को द स्ट्रेंथ जो थी कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्टर मेंबर को रिड्यूस कराया था इटा कहाँ समय हमारे पास कराया था। क्वेश्चन नंबर 30 एनी आंसर तो डेफिनेटली हमारा लिटन नुहे रिपन नुहे तो कहा समय ना लॉर्ड कर्जन। ओके कालकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट है किंबा आम यूनिवर्सिटी जो प्रेस एक्ट है तो ये सब गुड़ा आम कहा समय आसला ना लॉर्ड कर्जन को समय आसला। वैली ऑफ कश्मीर तो वैली ऑफ कश्मीर क्या क्या भितर आम सिचुएटेड के तो करेक्ट आंसर हमर कौन हबो तो हमर कौन हबो ना पीर पंजाला जस्कर रेंज भीतर हमर वैली ऑफ कश्मीर माने सिचुएटेड। तापर हमर कौन होची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिका माइकार आमर कहिया कोले सबुठु मेजर प्रोड्यूसर वर्ल्ड रे की आंक भितरे तो कन्फ्यूजन केते जन कर आसीबो ओके मे बी सम पीपल विल कॉल मींस मेंशन एज यूएसए और सम आर एक्चुअली चाइना। तो करेक्ट आंसर कौन हबो 32 नंबर यूएस दिस ना चाइना दिछि। डी हेजबा ओके तो हमरा चाइना हेजबा हमरा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिका। ओके तापरे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची जस्ट मैन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द यर्लीस्ट रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज इन इंडिया ता भितरु यर्लीस्ट प्लानिंग एक्सरसाइज इन इंडिया कोटा वेरी गुड। ओके तो आमर जो डीबीसी हमें कहे दामोदर भाली कॉर्पोरेशन तो दामोदर भाली कॉर्पोरेशन हूँ आम यर्लीस्ट जो रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज इन इंडिया। हैबिटेट ऑफ तोड़ा ट्राइब तो तोड़ा ट्राइब मैंने कौटी रोचान ना नीलगिरी हिल रे रोचान। ओके मन रखिबो तमिलनाडुर नीलगिरी हिल भितर रोचान तोड़ा ट्राइब। डुरान लाइन वाज ए बाउंड्री बिटवीन तो डुरान लाइन आम क्या भितर आम बाउंड्री इंडिया आउ अफगानिस्तान भितर आम डुरान लाइन जो इंडिया चाइना भितर पड़ा तो आम मैकमोहन लाइन इंडिया आम पाकिस्तान सागर पड़ा तो आम मेनसन करवा रेड क्लिफ लाइन बोली परीक्षा पड़ू डुरान लाइन थर पड़ा मैकमोहन लाइन थर पड़ा आउ थे आम रेड क्लिफ लाइन भी पड़ा तेणु मन रख लाइन पर्टिकुलरली इंडिया सागर जो मैंने गोटे कि बॉर्डर शेयर करते। ओके हू अमंग द फॉलोइंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया रैंक सेकेंड अमंग द कोल्डेस्ट हैबिटेट प्लेस इन वर्ल्ड तो वर्ल्डेस्ट आमर कोल्ड सॉरी कोल्डेस्ट सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड हूँ किए ना द्रास। ओके मन रख आंसर कीटा आंसर कीटा कौन दीजिए सी दीजिए सी सी कौन थी लगी पाकिस्तान पाकिस्तान तो डुरान लाइन टा होची पाकिस्तान अफगानिस्तान मैकमोहन लाइन होची
ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଆଉ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଓକେ। ତାପରେ ଆମର ଦ୍ରାସ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇନହାବିଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆସ୍କା ଆଠବାସ୍କା ଟାର୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଦ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପାଇଁ ଓକେ। କ'ଣ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି? 37। ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି। ସି ହେଉଛି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଫେମସ୍। ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆମର ଏମିତି ମିନେରାଲ୍ ଉପରୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ରେଞ୍ଜଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆମର ଯେମିତି ମାର୍କେଟ୍ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍, କ'ଣ ପାଇଁ 38ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହ। କପର୍, ୟୁରାନିୟମ୍, କପର୍, ଗୋଲ୍ଡ, ଆଇରନ୍ ଓର୍। 38 ଆଇରନ୍ ଓକେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଦେଖ ଆଇରନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ କେଉଁ ଆଇରନ୍ କେଉଁରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ହୁ ଆର୍ ଦ ୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୟୁରୋପ ଟୁ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା? 39 ଆନ୍ସର୍ କୁହ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ସ୍ପେନାର୍ଡ଼। ତ 39 କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ସି ଡି ଭିତରେ କାହିଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍? ଓପିଏସ୍ର ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିବା। 39 39 ଡି ତ 39 ହେଉଛି ଡି ଦେଇଛି ଓକେ। ତ ସ୍ପାନାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୟୁରୋପ ଟୁ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା। ୱେନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହେଲ୍ଡ? ତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 1872ରୁ। ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ କେବେ? ନା 1881ରେ। ସୋ ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପପୁଲେସନ୍? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1881 ଓକେ। ओके गाइस, सो विल डू द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन टुमरो, विल कंप्लीट दिस वन ओके। रेस्ट जोड़ा के रहला में टुमरो ट्राई करवा कंप्लीट करिया पे। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन। यस अमित, ପିଡିଏଫ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାହେଇନି। ପିଡିଏଫ୍ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ବିଜି ଏବେ ରହିଯାଉଛି ତ ଟିକେ ପ୍ରେସରରେ ଓକେ। ସବୁ କାମ ଆଜି ଦେଇଦେବେ ସାର୍? ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଦେବି ଓକେ। ହଁ ସାର୍, ଆଜି ଏବେ ଟିକେ ମନେ କରି ଦେଇଦେବେ ସାର୍? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ପ୍ରତିଦିନ ଭାବୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଆପଣ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲ? ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛେ, ତାର ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। କରିବା ଆଗ, ଏଇଟା ଆମେ କରିଦେଉଛେ ନା, ତ ବାକି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ରହିବ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା କରିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 10-15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ତମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ତମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ସପୋଜ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ର, ଏଇଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛ 2024 2028 ପାଇଁ ପଢ଼ିବ, କି ଆମର ଧର ପଡ଼ୁଛି ସାର୍କର ପଡ଼ିଥିଲା, ତମେ ସିମିଲାର୍ଲି ଏସିଆନ୍ କିମ୍ବା ଆମର ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ କିମ୍ବା ଅଦର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଟା କେବେ, ଯେମିତି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଡେ ହେଲା, ତ ଯେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ତ କେବେ ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ତ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସିମିଲାର୍ ଲାଇନ୍ରେ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଯେ ୟେସ୍ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ ତମେ ବି ଏଇଟା ଆସିପାରେ, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ ଗୋଟେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ଲାଷ୍ଟ 7 ଇୟର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କର ଡେଫିନେଟଲି ଓକେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ରଟା ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତମ ଭିତରୁ ସେ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଓକେ। ତେଣୁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେଇଟାକୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସେତିକି ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଓକେ। ସାର୍ ସାର୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 30ଟା କେବେ ଆସିବ ସାର୍? ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 30 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି କରିନି ଓକେ, କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ମେସେଜ୍ କରିଦେବି ଓକେ। ତ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ।
ଚୁଜ୍ ସେଟ୍ ଲେଖୁଛି ଓକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ କରିନି ଓକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବି ଓକେ ତାପରେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ସାର୍ ଇକୋନୋମିଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଚଳିବ ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିଟା ସ୍କିପ୍ ସ୍କିପ୍ କରନି ଜେନେରାଲି ଦେଖ ଇକୋନୋମିର କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଓକେ ମୁଁ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଥିଲି ମେ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଲା ଏକ୍ସିଲେନ୍ସିର ଗୋଟେ ଆମର ରେଡ଼ି ଟୁ ରିନକର ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଦେଖ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଧର ଇକୋନୋମି ତ ସେଥିରୁ ଟିକେ ନା ପଢ଼ିଦିଅ ଆମର ପଭର୍ଟି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁ କେଉଁ କମିଟି ଜିଡିପି ଉପରେ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଜିଡିପି କ'ଣ ମାନେ ଜିଡିପି ହେଲା କି ଜିଏନପି ହେଲା କ'ଣ ସେହି ସେକ୍ସନଟା କେଉଁଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକେ ତ କେତେଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ ସେକ୍ସନଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ନାଇଁ କି ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିବନି ଓକେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତ ଆମେ ଏନିୱେ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଏଥିରେ ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଫିର୍ ବି ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଲା ଏକ୍ସିଲେନ୍ସିର ଯେଉଁ ରେଡ଼ି ଟୁ ରିନକର ଅଛି ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ସେଇଠୁ ଦେଖିନେବ ଓକେ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍